Hello, welcome students. Welcome once again. Today we are going to discuss a very important and interesting topic of educational measurement and evaluation, which is standard scores. Okay, so before we start to discuss about standard scores, we have to know about scaling. Scaling kya hai? स्केलिंग क्या है? जब हम शैक्षिक मापन और मूल्यांकन में पढ़ते हैं तो ये हमको जानना होता है कि जो हमारे रॉ स्कोर होते हैं उनका हम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं या करने का कोई अर्थ नहीं है, उनके इंटरप्रिटेशन का कोई पैमाना नहीं है. तो हमको करना क्या होता है कि जो रॉ स्कोर है उनको स्टैंडर्ड स्कोर में बदलना होता है ना. तो स्टैंडर्ड स्कोर क्या है? स्टैंडर्ड स्कोर इज तब मतलब एक स्केल पर उनको ले आएंगे तब हम उनका इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे और तब उस इंटरप्रिटेशन का कोई अर्थ होगा. तो स्टैंडर्ड स्कोर है क्या? स्टैंडर्ड स्कोर इज अ डेराइव्ड स्कोर. इट हैज अ स्पेसिफाइड और फिक्स्ड मीन एंड फिक्स्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. मतलब स्टैंडर्ड स्कोर एक व्युत्पन्न स्कोर होता है और इसका एक फिक्स्ड मीन होता है और फिक्स्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. यानी कि जब आप जितने भी टाइप के स्टैंडर्ड स्कोर पढ़ेंगे हमको इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है कि उसका मीन क्या है जो फिक्स किया गया और क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है. हियर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू नो अबाउट व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन इज. तो पहले ये जान लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या. वैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी एक दोहरा लीजिए. क्या है कि इन स्टैटिस्टिक्स द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्सन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज. मतलब सांख्यिकी में मानक विचलन का अर्थ है कि जो हमारा सेट ऑफ वैल्यूज है उससे जो अमाउंट है वो कितना वेरी करता है ना. इन स्टैटिस्टिक्स द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्सन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज. तो अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन लो होगा तो क्या होगा कि हम मीन के बहुत पास होंगे, है ना. क्यों? क्योंकि विचलन कम है. और वही अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है इसका मतलब हम ज्यादा विचलित हैं, इसका मतलब हम डिस्पर्स्ड ज्यादा हैं, वाइडर रेंज में डिस्पर्स्ड हैं. तो कितने तरीके के स्टैंडर्ड स्कोर हमको पढ़ने हैं? सेवरल टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर सच एज जेड स्कोर, टी स्कोर, स्टेनाइन स्कोर, डेविएशन, आईक्यू एक्सेट्रा. इनमें से जेड स्कोर जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और कभी कभी तो स्टैंडर्ड स्कोर को हम लोग जेड स्कोर समझ लेते हैं. लेकिन स्टैंडर्ड स्कोर सिर्फ जेड स्कोर नहीं है बल्कि ये टी स्कोर, स्टेनाइन स्कोर और डेविएशन आईक्यू भी इसमें आता है. फिर नीड ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर, यहाँ पे फिर वही स्केलिंग की बात हो जाएगी कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी स्टैंडर्ड स्कोर्स की. क्योंकि स्टैंडर्ड स्कोर्स आर नीडेड प्राइमरली फॉर टू रीजंस. फर्स्ट, पहला रीजन क्या है? व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द सेम पर्सन ऑन डिफरेंट सेट्स इज टू बी कंपेयर्ड. मतलब जब एक व्यक्ति की दो सेट्स पे परफॉर्मेंस की हमको कंपेरिजन करनी है तो इट इज बेस्ट डन थ्रू कन्वर्टिंग द रॉ स्कोर्स इन टू स्टैंडर्ड स्कोर्स. ये तभी बेहतर तरीके से हो सकता है जब हम रॉ स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में बदल दें, तभी हम उसका कंपेरिजन कर पाएंगे. नहीं तो कंपेरिजन का कोई अर्थ नहीं है या वो सही नहीं होगा. और दूसरा, सेकेंडली, स्टैंडर्ड स्कोर्स हैव इक्वल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. यानी कि जब हम स्टैंडर्ड स्कोर की बात करते हैं तो जो उनका मेजरमेंट का यूनिट है वो इक्वल है एंड देयर साइज डज नॉट वेरी फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूशन. यानी एक वितरण से दूसरे वितरण में उनका आकार बदलता नहीं है. फिर तो ये हो गया कि रॉ स्कोर को हमको स्टैंडर्ड स्कोर में बदलना पड़ता है. और स्टैंडर्ड स्कोर इतने तरीके के होते हैं. अब रॉ स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में बदलने के भी दो मेन तरीके हैं. कौन कौन से? रॉ स्कोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड स्कोर्स थ्रू टू मेथड्स. व्हाट आर दीज मेथड्स? फर्स्ट वन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना. तो ये जो दो तरीके हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन, हमको इसमें ये देखना है, इसमें लिखा हुआ है लेकिन इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि जब हम रॉ स्कोर को लीनियरली ट्रांसफॉर्म करते हैं स्टैंडर्ड स्कोर में, मतलब रेखीय रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है? जो हमारा नया हमको स्कोर मिलता है वो पुराने स्कोर की सारी कैरेक्टरिस्टिक उसमें होती है और सारा कंप्यूटेशन स्टैटिस्टिक्स का हम कर सकते हैं. यही लिखा है, व्हेन रॉ स्कोर्स आर लीनियरली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टैंडर्ड स्कोर्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉ स्कोर्स आर रिटेन्ड विदाउट एनी चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन. First point and second one is all statistical computations which can be carried out with original distribution of raw scores can be duplicated with the standard scores. यानी कि standard score पे आप उसको दोहरा सकते हैं. और the Z score is an example of a linearly transformed standard score. यानी कि जब हम Z score की बात करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये raw score से derive किया हुआ standard score है और ये transformation जो है वो कैसा है? Linear transformation. फिर Z score के बारे में और क्या? कि Z score indicates how many standard deviations of a score lie below or above the mean of distribution. यानी कि जो distribution का mean है, उससे हम कितना deviation ऊपर या कितना deviation नीचे lie करते हैं, ये हमको Z score बताता है. और क्या बताता है? Z score is a standard score which has a mean of 0 and standard deviation of 1. क्योंकि हमने बताया ना कि आपका standard score वो fix होगा और
सॉरी मीन फिक्स होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन फिक्स होगा. तो मीन जीरो पे फिक्स है और स्टैंडर्ड डेविएशन वन पे फिक्स है. इट इज कंप्यूटेड बाय क्या फॉर्मूला है इसका, z इज इक्वल टू x माइनस m अपॉन एस डी. यहाँ पे x क्या है, रॉ स्कोर है, m क्या है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड एस डी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो अगर हमको रॉ स्कोर पता हो, मीन पता हो और स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो तो हम स्टैंडर्ड स्कोर z निकाल सकते हैं. ठीक है. अच्छा, मेरिट्स क्या है इसकी, मेरिट्स है कि जेड स्कोर रिप्रेजेंट्स द मोस्ट प्रिसाइज वे ऑफ इंडिकेटिंग पोजीशन इन डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि वितरण में हम जो पोजीशन एकदम एग्जैक्टली बता सकते हैं जेड स्कोर की वजह की, जेड स्कोर जब यूज करते हैं तब, और परसेंटाइल रैंक और बाकी वितरण के जो पैमाने हैं उनसे ये बेहतर प्रतीत होता है, बेहतर इसका कंप्यूटेशन है. ठीक है, डीमेरिट्स भी है इसकी, इसमें भी नहीं जाते हैं हम. डीमेरिट इसकी ये है कि कहीं कहीं माइनस में इसकी वैल्यू आती है, तो उसको क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कितना ऊपर और कितना नीचे, तो जब ऊपर वैल्यूज आएंगी तो प्लस में आएंगी, जब नीचे आती तो वो माइनस में आती, तो वो एक इसका माइनस पॉइंट हो जाता है. फिर बात करते हैं नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर की, कि रॉ स्कोर से जब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया तो हमको लीनियर ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड स्कोर मिला, और जब हम रॉ स्कोर से नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमको जो स्टैंडर्ड स्कोर मिलेगा वो नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर हो जाएगा. तो क्यों जरूरत पड़ी नॉर्मलाइजेशन की, कि वन जनरल डीमेरिट ऑफ लीनियरली ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड स्कोर इज दैट दे कैन बी कंपेयर्ड ओनली व्हेन दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशंस दैट हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम फॉर्म. मतलब कि जब वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि व्हेन दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशंस दैट हैव बीन अप्रोक्सीमेटली द सेम फॉर्म, मतलब कि जो दो समान तरीके के अगर वितरण हैं तब तो हम उनका कंपैरिजन कर पाएंगे, तब तो लीनियर ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड स्कोर चलेगा. लेकिन अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, विचलित है, ज्यादा एक तरफ कम है, इस तरीके का है, या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड है और एक डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो कर रहा है, देन द टू स्टैंडर्ड स्कोर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड. तब हम दोनों स्टैंडर्ड स्कोर्स का कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे और तब हमको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा. इन सच ए सिचुएशन वेयर द कंपैरिजन ऑफ द स्टैंडर्ड स्कोर्स डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना बिकम्स नेसेसरी, ए डायरेक्ट सॉल्यूशन इज, क्या डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा, इज टू कन्वर्ट रॉ स्कोर्स इनटू स्टैंडर्ड स्कोर्स व्हिच आर नॉर्मलाइज्ड. यानी कि जब अब हम रॉ स्कोर को नॉर्मलाइज्ड स्कोर में अगर कन्वर्ट करेंगे तब हम कंपेयर कर पाएंगे दोनों स्टैंडर्ड स्कोर को. क्यों, क्योंकि एक नॉर्मलाइज था एक स्क्यूड था, तो हमने दोनों को नॉर्मलाइज कर दिया, दोनों को नॉर्मलाइज कर दिया तो हम दोनों का कंपैरिजन कर पाएंगे. तो सच स्टैंडर्ड स्कोर्स आर कॉल्ड क्या, नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर्स, और इनको इनके नामकरण जो है वो क्या है, टी स्कोर्स, स्टेनाइन स्कोर्स एंड दी डेविएशन IQ, जिसमें से टी स्कोर सबसे ज्यादा पॉपुलर है. और टी स्कोर को भी जेड स्कोर में बदला जा सकता है, ये भी कई कई ऑब्जेक्टिव में आप प्रश्न कहीं मिल जाएगा आपको कि टी स्कोर दिया है तो आपसे जेड स्कोर की वैल्यू पूछ रहे हैं, या जेड स्कोर दिया है तो टी स्कोर को पूछ रहे हैं. बहुत आसान है टी स्कोर को जेड स्कोर में बदलना. देखिए ये है फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू जेड 10+50, जेड इंटू 10+50. यानी कि जेड में 10 का ही क्यों गुणा किया और 50 ही क्यों जोड़ा, अपने मन से नहीं जोड़ा है. क्यों, क्योंकि जो टी स्कोर होता है उसका जो मीन होता है वो 50 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 होता है. यानी कि टी इज इक्वल टू जेड इंटू एस डी प्लस एम, ये कर सकते हैं ना. तो टी स्कोर क्या है, इज डिफाइंड एज ए स्टैंडर्ड स्कोर विच इज बेस्ड अपॉन ए मीन ऑफ 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10. यानी कि हमने शुरुआत में ये बात कर ली थी कि जब भी हम स्टैंडर्ड स्कोर की बात करेंगे तो उसका हमेशा एक फिक्स्ड मीन होगा, फिक्स्ड एसडी होगा. तो टी स्कोर में फिक्स मीन कितना है, 50 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 10. तो ये हो गया. और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब हम जेड स्कोर को फॉलो करते हैं तो जो उसकी रेंज है वो कहां से कहां तक लाई करती है, -3 to +3. यानी कि जीरो हमने मान लिया उसका मीन, तो जीरो से तीन आगे, तीन पायदान आगे, तो तीन स्टैंडर्ड डेविएशन इधर और तीन पायदान नीचे. यानी कि -3 से +3 का रेंज आता है किसमें, जेड स्कोर में. और उसी को अगर हम टी स्कोर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये रेंज 20 से लेकर 80 तक मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन में ये फॉलो होती है. और अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल कर्व का शेप ले लेगी. और टी स्कोर को जेड स्कोर में आप इस फॉर्मूले से बदल सकते हैं, किस फॉर्मूले से, टी इज इक्वल टू जेड इनटू एसडी प्लस एम. चूंकि इसका एसडी 10 और एम 50 है तो ये हमने ले लिया. अब स्टेनाइन, स्टेनाइन क्या है, स्टेनाइन देखो स्टैंडर्ड 9 को हम शॉर्ट में स्टेनाइन कह रहे हैं ना, स्टैंडर्ड 9 बोलने में दिक्कत हो, स्टेनाइन कर दिया. तो क्या है ये, कि द टर्म स्टेनाइन इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टैंडर्ड 9, है ना, स्टैंडर्ड 9 को हमने छोटा कर दिया है. एंड इट हैज स्कोर्स एक्सप्रेस्ड इन डिजिट्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 9.
एक से नौ तक की इसकी रेंज है, जैसे जेड की रेंज माइनस तीन से प्लस तीन है, टी की रेंज 20 से 80 है, उसी तरह से स्टेनाइन की रेंज एक से नौ है। और हमको क्या याद करना है कि जेड में मीन जीरो, स्टैंडर्ड डेविएशन एक था, टी में मीन 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, और स्टेनाइन में मीन आपका है क्या 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.96 या रफली इसको 2 भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा शायद। तो व्हेन रॉ स्कोर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टेनाइन स्कोर्स दे ऑटोमेटिकली टेक अ शेप एप्रोक्सीमेटिंग द नॉर्मल कर्व, वही बात जो टी स्कोर में है, क्यों? क्योंकि दोनों ही नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट स्टेनाइन स्कोर्स आर दी, अच्छा दूसरी बात क्या है कि सी स्केल पे, सी स्केल क्या है अभी आगे आपको मिलेगा, 0 से लेकर 10 तक था, तो 0 से 10 तक होगा तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 5, इसीलिए 5 इसका मीन है, लेकिन सी स्केल को हमने कंडेंस्ड कर दिया, मतलब 0 से 10 में 0 ले लिया, हटा दिया, दबा दिया, और 10 दबा दिया, तो बचा कितना 1 से 9, तो वही हो जाता है आपका स्टेनाइन। यही कह रहे हैं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट स्टेनाइन स्कोर्स आर दी कंडेंस्ड स्कोर्स ऑन दी सी स्केल, इन दी सी स्केल देयर आर 11 स्कोर पॉइंट्स, कैसे 11, 0 से 10 गिनेंगे तो 11 आ जाएगा ना, और जब 11 होगा तो हम 5 उसका मीन ले सकते हैं, है ना, विद दी मीन लाइंग एग्जैक्टली एट 5, और बाद में 1, 0 और 10 को हमने कंडेंस कर दिया, तो हमारा स्केल जो है वो कहां तक आ गया, 1 से लेकर 9 तक। तो इसका सॉरी मीन हो गया 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 1.96। अच्छा डेविएशन आईक्यू क्या है, द फर्स्ट टेस्ट टू एक्सप्रेस इट्स स्कोर्स इन टर्म्स ऑफ द डेविएशन आईक्यू वाज द वेशलर इंटेलिजेंस स्केल। हम लोग जब इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस का कांसेप्ट जब हम लोग मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, तो हमने वेशलर को पढ़ा है, वेशलर का एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल पढ़ा है, है ना, तो उन्होंने डेविएशन आईक्यू को सबसे पहले टर्म यूज किया और इन्होंने यहां बताया। फिर हम बात करेंगे क्या कि जब हम स्टैंडर्ड स्कोर की बात करेंगे, मीन फिक्स्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन फिक्स्ड, तो यहां मीन कितने पे फिक्स्ड है 100 पे और स्टैंडर्ड डेविएशन कितने पे फिक्स्ड है 15 पे। तो नाउडेज मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस टेस्ट यूज द डेविएशन आईक्यू स्कोर रादर देन द रेशियो आईक्यू स्कोर। तो मीन हो गया इसका कितना 100 और एसडी हो गया कितना 15। ठीक है, तो आपसे अगर स्टैंडर्ड स्कोर पूछा जा रहा है या टी स्कोर, जेड स्कोर, सी स्कोर पर टिप्पणी पूछी जा रही है, तो आप बताइए कि रॉ स्कोर से आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको स्टैंडर्ड स्कोर की जरूरत पड़ी। फिर रॉ स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में बदलने के दो तरीके हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉर्मलाइज ट्रांसफॉर्मेशन। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जब आप बदलते हैं तो स्टैंडर्ड स्कोर हो जाता है जेड, और जेड में मीन क्या फॉर्मूला है इसका, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन एस डी, यानी रॉ स्कोर से मीन घटाएंगे और एस डी से भाग देंगे। फिर आपका नॉर्मलाइज की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन था स्क्यूड और दूसरा था नॉर्मलाइज, तो हमको नॉर्मलाइज करना पड़ा उसके कंपैरिजन के लिए। तो जब हमने नॉर्मलाइज किया तो हम तीन मेन स्कोर पढ़ते हैं, टी स्कोर, सी स्कोर, टी स्कोर, स्टेनाइन और डेविएशन आईक्यू। टी स्कोर में क्या है, टी इज इक्वल टू जेड इंटू 10 प्लस 50, ये फॉर्मूला है। फिर आपका स्टेनाइन में क्या है, ये स्टैंडर्ड 9 है, और सी स्केल पे जो 0 से 10 था 11 पॉइंट थे, मिड 5 पे आ रहा था, उसको हमने कंडेंस कर दिया तो 1 से 9 बचा है, इसीलिए स्टैंडर्ड 9 को स्टेनाइन कह दिया। और डेविएशन आईक्यू क्या है, मीन 100 और एसडी 15। एसडी 15 का मतलब समझ रहे हैं ना कि मीन से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो मीन अगर 100 पे है तो एक स्टेप आगे बढ़े तो क्या हो गया 115, और एक स्टेप अगर बिलो पे है तो 100 में से 15 घट गया 85, यानी कि माइनस 1 से प्लस 1 की दूरी क्या 85 से 115 के बीच में वैरी करेगी। ठीक है, चलो अब इसको और पढ़ो और समझने की कोशिश करो, मैंने अपने हिसाब से कोशिश की तुम लोगों को समझाने की।